अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। मैं मशकूर हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बिलाल सफदर साहब का, जिन्होंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की। चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, जिसके 7 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में, उनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocities of 0.1 meter per second. The drops recombine to form a single drop. What should be the new terminal velocity? 8 drops, एक oil droplet के इकट्ठे नीचे fall कर रहे थे और एक सिंगल ड्रॉप की वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है। यहाँ ऊपर मिसप्रिंट हो गया, इसको आप छोड़ दें, 0.1 मीटर पर सेकंड है। और हर सिंगल ड्रॉपलेट का रेडियस हमने लिख लिया आर, बाद में वो रिकम्बाइन होके एक ड्रॉप बन गए, 8 ड्रॉप्स। तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को हम एन से डिनोट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, बेशक 8 ड्रॉप्स हैं। हम फार्मूला यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। इसमें यहाँ पे डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, ईटा विस्कोसिटी, 2/9 इसका कांस्टेंट। अब 8 ड्रॉपलेट जब इकट्ठे कंबाइन होंगे तो फिर उनकी टर्मिनल वेलोसिटी को हमने वी टी प्राइम कह दिया, वी टी डैश। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, चूंकि सफेरिकल ड्रॉपलेट है तो सफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो अगर वो 8 ड्रॉपलेट्स हैं तो हम उसको n यानी 8 से मल्टीप्लाई कर लेते। वो इकट्ठे होके नया एक ड्रॉपलेट, बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएंगे, उसका रेडियस कैपिटल R ले लिया। जो छोटे ड्रॉपलेट्स थे उनका रेडियस स्मॉल r था, और जब वो इकट्ठे होके एक बड़ा ड्रॉप बन गए तो फिर उसका रेडियस को हमने कैपिटल आर ले लिया। तो अब इकट्ठा होके वो 1 ड्रॉप है, उसके वॉल्यूम को वी प्राइम, और 8 जो सिंगल सिंगल अलग अलग ड्रॉप्स थे उनके वॉल्यूम को हमने वी लिखा है। तो वॉल्यूम तो सेम है, 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम अलग अलग लेके उनको एन से नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से मल्टीप्लाई कर लें तो वही वॉल्यूम आएगा जो कैपिटल आर रेडियस के साथ जब वो बाद में एक ड्रॉप बन गए, 8 ड्रॉप्स मिलके। तो हमने लिखा 4/3 πr³ इक्वल्स टू 4/3 πr³ स्मॉल r के साथ, लेकिन इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देखें कि ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो r 4/3 ये कैंसिल हो गया, इधर से पाई भी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया r क्यूब इक्वल टू 8 r³। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो r, कैपिटल r जो रेडियस है वो 2 r के इक्वल आएगा। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में आप ये रेडियस पुट कर दें। वी टी प्राइम के फार्मूले में आप देखें कैपिटल r लिखा है जो किसके इक्वल है, 2 r के, तो कैपिटल r की जगह 2 r पुट कर दिया, तो 2 रो जी आर स्क्वायर, r की जगह 2 r होल स्क्वायर ओवर 9 मीटर। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले आए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो फार्मूला रह गया 2 rho g r² ओवर 9 ईटा, ये वही फार्मूला है जो सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी का पहले था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था ऊपर की तरफ, ये जिसको वी टी कहा था। तो इसका मतलब है कि वी टी प्राइम जो है वो 4 × vt के इक्वल हो गए, vt प्राइम इज इक्वल टू 4 × vt, और vt की वैल्यू थी 0.1, तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, सो vt प्राइम इज 0.4 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर होज विद अ स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड। At the end of the hose, the water flows out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter.
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल, एक ये आपने जवाब देना है, और दूसरे ये है कि व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड टू गिव वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। कि आप स्पीड बता दी तो इस स्पीड के मुताबिक उसकी जो है वो क्या डायमीटर होना चाहिए नोजल का, कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स जो है वहाँ से जब वो निकले लिक्विड तो उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड हो। तो इसको देखें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। डायमीटर डी वन 9.6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया 0.096 मीटर। स्पीड ऑफ वाटर एट वन एंड वी वन 1.3 मीटर पर सेकेंड, दूसरा डायमीटर लिखा 0.025 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर से उसको चेंज कर लिया मीटर में। स्पीड ऑफ वाटर एट अदर एंड वी टू इज, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने कैलकुलेट करना है, और इसी तरह डायमीटर ऑफ द नोजल डी टू ये भी कैलकुलेट करना है। तो ए पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई की, ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, एरिया की जगह पाई आर स्क्वेयर ये अप्लाई कर दिया, आर वन में पाई आर वन स्क्वेयर, ए वन में और ए टू में पाई आर टू स्क्वेयर। रेडियस गिवन है तो आर वन की जगह आप पुट कर सकते हैं डी वन बाई टू, और आर टू की जगह पुट कर सकते हैं डी टू बाई टू। तो जब पुट करेंगे तो ये स्क्वेयर होके जाएगा, तो डी वन स्क्वेयर बाय फोर और डी टू स्क्वेयर बाय फोर, तो ये जो वन बाई फोर है ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी टू के लिए अलग फार्मूला बना लें तो फिर आपके पास डी टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डी टू को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, डी वन की वैल्यू है 0.096 इसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी स्पीड ऑफ वाटर एट वन एंड वो थी 1.3, ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 0.025 होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 19 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट इसका डी टू स्क्वेयर के लिए आप डायमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब इसमें आपने डी वन की वैल्यू पुट करनी है और वी वन और वी टू की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जो वी टू की वैल्यू है वो अब गिवन है 21, तो वी वन की वैल्यू आपके पास जो है वो पहले आ चुकी है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो डी टू स्क्वेयर का ये आंसर 5.7 इंटू 10 रेस पावर माइनस 4, इनका स्क्वेयर रूट ले लें तो 0.024 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर ये आंसर आता है इसका। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इनको जो है हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फिश टैंक हैज डायमेंशंस 0.30 मीटर वाइड बाय 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.60 मीटर हाई। इफ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन द टैंक वंस एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे बाद वो प्रोसेस कर लेता है पानी को। फिल्टर क्या काम करता है, उसमें से आपके जो पानी के अंदर गंद बला है उसको रोक लेता है और बाकी साफ पानी को वापस इसके अंदर भेज देता है। व्हाट शुड बी द फ्लो स्पीड इन द 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर द फिल्टर। फ्लो स्पीड हमने इसकी कैलकुलेट करी, तो इसका डाटा देख लें। सबसे पहले विड्थ ऑफ टैंक 0.30 मीटर, लेंथ है इसकी 1 मीटर और हाइट है 0.60। इन तीनों को मल्टीप्लाई ये नीचे किया हुआ है तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा। उसके साथ डाटा में डेंसिटी लिख दी वाटर की 1000 केजी पर मीटर क्यूब, डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर इसका ट्यूब का दिया हुआ था, इसको मीटर में चेंज कर लिया तो 0.03 मीटर, और टाइम 3 घंटे में प्रोसेस करता है तो 1 आवर में 3600 सेकेंड, 3 आवर्स में 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 10,800 सेकेंड। वी वन इसकी वेलोसिटी ये कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम के लिए तीनों विड्थ को लेंथ को और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 0.18 क्यूबिक मीटर। एरिया पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला ट्यूब का, तो उसमें आर की जगह आप पुट कर दें डी बाई टू
तो डी स्क्वायर बाय फोर हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपके पास एरिया आ गया 7.065 इंटू 10^-4। वॉल्यूम फ्लो रेट इसका चूंकि आपने कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट सॉरी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला है वॉल्यूम ओवर टाइम इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, या आप इसको यू लिखा हुआ देखा होगा आपने, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए वी इंटू टी, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वॉल्यूम के इक्वल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टॉपिक में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये टी अगर आप दूसरी तरफ नीचे शिफ्ट कर दें तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा वी बाई टी इक्वल्स टू ए इंटू वी। यहाँ से v वेलोसिटी को अलग कर दें, वॉल्यूम के v और वेलोसिटी के v में खुद ही आपने फर्क रखना है, लिखते हुए यहाँ पे जो है फर्क रखा गया, वॉल्यूम के v को कैपिटल v लिखा गया और वेलोसिटी के v को स्मॉल v लिखा गया, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें तो फिर आपके पास 0.18 ओवर ये सारी वैल्यूज, तो 2.3 × 10^-2 या 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वेंचुरी मीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर, इट हैज अ मेन डायमीटर गिवन है टैपरिंग डाउन टू अ थ्रोट डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, थ्रोट डायमीटर बिल्कुल आखिर पे जहां पे पाइप एंड हो रहा होता है उसको थ्रोट, वहां के डायमीटर को थ्रोट डायमीटर कहते हैं। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज मेजर टू बी 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर एंटरिंग द वेंचुरी थ्रोट। तो डेटा देखें, इसमें d1 3.5 सेंटीमीटर और इससे रेडियस कैलकुलेट कर लिया, फिर d2 1 सेंटीमीटर इससे भी रेडियस कैलकुलेट कर लिया, ये साथ साथ चलते जाएं। प्रेशर डिफरेंस गिवन है 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, P1 - P2 लिखा है इसको, इसको भी पास्कल में SI यूनिट में चेंज कर लिया, तो इसको 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल होता है 133.3 पास्कल्स के, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये आपके पास आ गया 2399.4 पास्कल्स। स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, एरिया ऑफ पाइप को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर से, ये कैलकुलेशन इसकी कर ली, एरिया ऑफ थ्रोट को पहले कैलकुलेट कर लिया, इससे ज़रा आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये जो आगे आपके पास फार्मूला आ रहा है इसमें v1 वेलोसिटी का, ये वेंचुरी वाले जो रिलेशन है वहाँ से आ रहा है, इसमें गलती तो नहीं है, वो खुद हमने लिखा नहीं जा रहा था स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली आपके पास जो फार्मूला है उसमें स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा, तो ये सारा का सारा रिलेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये A2 बाहर आ जाएगा, तो बुक में पेज नंबर 214 के बिल्कुल टॉप पे ये फार्मूला आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन है, तो v1 जो वेलोसिटी है इसका आंसर आता है 0.179, जिसको राउंड ऑफ करके 0.18 जो है वो लिखा जा सकता है, तो v1 वेलोसिटी का फार्मूला a2 स्क्वायर इंटू p1 - p2 ओवर रो इंटू v1 स्क्वायर माइनस a1 square - a2 square, एक गलती है इसमें, ये ठीक कर लें, a2 तो बाहर चला जाएगा स्क्वायर का और इसके साथ फर्दर एक 2 यहाँ पे मौजूद है फार्मूले में, तो ये करेक्शन आपने कर ली। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.179, जिसको राउंड ऑफ करें तो 0.18
ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्मॉल सर्कुलर होल 6 मिलीमीटर इन डायमीटर इज कट इन द साइड ऑफ अ लार्ज वाटर टैंक 14 मीटर बिलो द वाटर लेवल इन द टैंक। द टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन टू द एयर। फाइंड द स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर एंड द वॉल्यूम डिस्चार्ज्ड पर सेकेंड। तो देखें डायमीटर ऑफ द होल डी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इससे रेडियस ले लिया, हाइट 14 मीटर, स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला है अंडर रूट 2 जी एच, इसमें वैल्यूज पुट करें तो 16.6 मीटर पर सेकेंड ये इसका आंसर आ गया। दूसरा हिस्सा इसका वॉल्यूम फ्लो रेट V बाई टी इक्वल होता है ए वी के, अभी आपको लिख के दिखाया था वॉल्यूम इक्वल्स टू ए वी टी, तो टी दूसरी तरफ नीचे ले आए, इसमें इस चीज़ को सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वेयर इंटू वी, तो ये आपके पास तकरीबन 4.69 × 10⁻⁴ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी का जो है वो फ्लो हो रहा होगा। बुक में इसको यूनिट इसकी जो है वो फ्लो रेट की ठीक नहीं लिखी, तो उसको आपने ये ठीक कर लेना है, यहाँ पे हमने इसको करेक्टली किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एरोफॉइल लिफ्ट इन न्यूटन्स ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑन अ पेपर प्लेन, कागज का जो जहाज बना के उड़ाते हैं उसके ऊपर कितनी अप लिफ्ट भी इसे कहते हैं, एरोफॉइल लिफ्ट भी कहते हैं, उसका एरिया गिवन है 0.01 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर। इफ द एयर पासेस ओवर द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस एट स्पीड 9 or 7, ऊपर 9 मीटर पर सेकंड से गुजर रही है, नीचे 7 से, आपको मालूम है वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, बर्नौलीज इक्वेशन में पड़ा है। डेंसिटी जो है एयर की ये गिवन है 1.28 केजी पर मीटर, इसका डाटा देख लें, एरिया बिलो द विंग वेलोसिटी, टॉप द विंग वेलोसिटी, डेंसिटी, हाइट इसकी सेम ले ली, इतना डिफरेंस नहीं है, कागज की थिकनेस है, कागज का जहाज है, एयरफॉइल लिफ्ट को एफ कह दिया, तो फार्मूला है ये भी बुक में गिवन है P1 - P2/F/A, यहाँ से एफ को आप अलग कर लें, ये नीचे बर्नौलीज इक्वेशन लिखी हुई है, इसके मुताबिक आप ये देखें कि जिस वक्त आप हाइट को सेम ले लेंगे तो ये रो जी एच दोनों तरफ से कैंसिल हो, तो अब आपके पास ये बनेगा P2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो P1 - P2 ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे देखें, और हाफ रो वी वन स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो हाफ रो कॉमन लेके ब्रैकेट में V2² - V1² तो P1 - P2 इक्वल था F/A के, तो ये इस इक्वेशन में यहाँ पे ला के P1 - P2 यहाँ पे पुट कर इस जगह, तो F/A इसके इक्वल आ जाएगा हाफ रो V2² - V1² एरिया को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें और सारी वैल्यूज को पुट करें तो ये आपके पास 0.2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आपको पहले भी बताया है कि फार्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स में आगे चल सकते हैं, अगर आपको फार्मूले ही ना याद हों तो फिर न्यूमेरिकल्स में आगे चलना मुश्किल है। लास्ट न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म अ 25 मीटर पर सेकेंड विंड ब्लोज अक्रॉस द फ्लैट रूफ ऑफ अ स्मॉल होम, फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द एयर इनसाइड द होम एंड द एयर जस्ट अबव द रूफ एज्यूमिंग द doors and windows of the house are closed। तो एयर डेंसिटी जो है वो गिवन है, फ्लैट हाउस कहा था तो ये इसे यहाँ पे ना ये ऐसी छत होनी चाहिए, इसके अंदर भी ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड और नीचे कोई एयर स्पीड नहीं, तो इसको V2 कह दिया बाहर की एयर स्पीड को और अंदर की एयर स्पीड को V1 कहेंगे, वो जीरो है, ये V1 को जीरो पुट कर दिया, P1 - P2 हाफ रो यहाँ पे रो लिखना इंटू
वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये रो की वैल्यू पुट कर दी, हाफ रो 25 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 400 पास्कल्स आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और फार्मूले आप याद करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।